अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अरशद, अरशद कैलीग्राफी एंड आर्ट के सिलसिला में हाजिर खिदमत हूँ। तो आइए सबसे पहले राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग की इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ख्वाह वो कोई मर्द हो या कोई औरत। मैंने देखा है कुछ पामिस्ट, कुछ दस शनाफ लोग राइटिंग देकर किस्मत का हाल बताते हैं। सो अगर आप भी ज़िंदगी में बुलंद मुकाम मरतबा हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी राइटिंग को दुरुस्त कर लें। सो इसी मकसद के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है, बिलखसूस तुलबा के लिए, ताकि तुलबा अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर जाके ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरी हर नेक्स्ट वीडियो और मेरा हर नेक्स्ट लेसन आप तक पहुंच सके और आप इससे मैक्सिमम इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, मैंने अपने हर लेसन को दो कैटेगरी में बनाया है, एक कलम के साथ और एक कट वाले मार्कर के साथ। तो आइए अपने पहले लेसन का आगाज़ करते हैं। कैलीग्राफी में जो हलीफ है वो तीन कत की लंबाई के बराबर लिखा जाएगा, एक कत, दो कत और तीन कत। इन तीन कद की लंबाई के बराबर अलिफ लिखा जाएगा। इस तरह से आप अलिफ लिखेंगे तीन कद की लंबाई के बराबर। इसके बाद बे है, बे कश वाला। कैलीग्राफी में कश वाला बे जो है वो 11 कद का लिखा जाता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 कत लगाएंगे। उसके बाद सेंटर से इसकी गहराई जो होगी वो 1.5 कत होगी, एक कत और ये 1.5 कत, और लास्ट से एक कत। अब यहाँ से आप बे लिखना शुरू करेंगे और इसको हल्का हल्का सा कर्व देंगे, और कर्व देते हुए आप इस पॉइंट तक आएंगे, सेंटर तक, और सेंटर से आप इसको टच करते हुए हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ तक और इस तरह आप बे का नुक्ता लगाएंगे। बे का नुक्ता जो है वो स्केयर शेप में होगा और हल्का सा इसमें कर्व देना है। इस तरह से आपने कलम रखना है और इस तरह से नुक्ता लगाना है, और नुक्ता इस तरह लगाना है कि अगर इसके चारों कोनों से लाइन गुजारी जाए, प्लस का साइन जो है इस तरह बने, इस तरह से इसके चारों जो कॉर्नर हैं
वहाँ से लाइन गुजर जाए, इस तरह नुक्ता लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सादा बे है। सादा बे जो है वो कैलीग्राफी में 5 खत के बराबर होता है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 खत के बराबर आप लिखेंगे सादा जो सिंपल बे लिखा जाता है। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। इस तरह से आप बे लिखेंगे और इस तरह से आप बे का नुक्ता लगाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह ही बे की फैमिली के सारे जो हरूफ हैं जिनमें बे, पे, ते, टे, से सभी शामिल हैं, बे की फैमिली के हरूफ, वो सारे के सारे इसी तरह लिखे जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे पहले लेसन का इख्तिताम हुआ। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।